हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी धनचल। और मैं हूँ आज लव के साथ और राकेश के साथ। ये प्यार का सर होता है, मेरा सर है। नहीं, आज लव सामने बैठा है ना, इसलिए। क्योंकि पता है बहुत लोगों के कमेंट आते थे मेरे पोस्ट पे। ठीक, लव कहाँ चला गया? लव से लव भैया ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे यार, कम ऑन, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल कीप ऑन कंपेयरिंग। हर इंडिविजुअल होता है भाई। लव मुझे लगा आपका लव से अफेयर चल रहा है। अच्छा, लव को क्यों नहीं दिख रहा आपकी वीडियो में? कहाँ गायब हो चुका है? फाइनली लव इज हियर विद मी। एक्चुअली आज ये साउथ साइड आई थी मेरे घर के पास से। ऑलमोस्ट आई वाज लाइक, फिर शी वांटेड टू डू शॉपिंग। आई वाज लाइक, या बिकॉज़ मैं भी चलता हूँ यार, हम दोनों कंटेंट बनाएंगे साथ में। मैं भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये व्लॉगिंग कर रही है, ये मूवी भी देख के आई है। गर्ल मुझे बुलाया नहीं इसने, अलग बात है। अगर तुम जो ब्लूमी के लिए ब्लेम करना चाहते हो तो तुम मुझे वो डंबल डोर वाली जो आई है फिनिक्स वाली मूवी, उसके लिए ब्लेम कर सकते हो। क्या नाम है उसका? फैंटास्टिक बीस्ट के लिए ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि अभी छह को हाँ मार्वल की ठीक है, देख लेंगे। मेरे को तो स्पाइडरमैन ही पसंद है, बट अभी तो हिंदी भी काफी आ रही है। जर्सी वर्सी देख, जर्सी तो कब की निकल गई यार? नहीं, अभी वो रिलीज नहीं हो पा रही भाई, अभी तक रिलीज नहीं हुई। जर्सी वो ना तीसरी कॉपी आ रही है। अच्छा, साउथ की मूवी की? साउथ की, हाँ, दूसरी तो वो अभी शायद वाली, वो पता नहीं दिसंबर में रिलीज शायद कपूर वाली। हाँ, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई भाई। अब मुझे लगता नहीं वो चलेगी यार। नहीं नहीं आएगी वो, एक्चुअली कुछ सीन हो गया था ना शायद के बीच में। पता नहीं क्या है भाई बाकी। और यार अब आज की ताजा खबर तो कल की ताजा खबर है, आलिया और रणबीर की शादी होगी। एग्जैक्टली, पता है किसी ने कमेंट किया होगा, लाइक आई वाज चेकिंग आउट समबडीज कमेंट एंड समबडी गॉट कि आलिया भट्ट ने मैनिफेस्ट किया रणबीर कपूर को। अच्छा, आई वाज लाइक हाउ, बिकॉज़ हमेशा ही कमेंट, हमेशा शी ऑलवेज लाइक्ड यू नो कॉफी विद करण मुझे रणबीर, और जब तो उसका दीपिका के साथ चलता था, जबकि बात है तो शी वाज लाइक आई लव रणबीर कपूर, आई वांट टू बी विद रणबीर कपूर, एंड आई वाज लाइक फक दिस मैनिफेस्टिंग वर्क्स, फक ब्रो। आई यूज्ड टू टेल यू एवरी डे डू मैनिफेस्टेशन। मैं भी आजकल ये मैनिफेस्ट करता हूँ, 10 करोड़। आई गेस द बेस्ट एग्जांपल इज खुशी, हु यूज हिज मैनिफेस्टेड। आई गेस द बेस्ट एग्जांपल, आई मीन शी ऑलवेज वांटेड टू बी द सीईओ ऑफ हर ओन कंपनी एंड ऑल दैट, एंड भाई वो कुछ नहीं करती थी जिंदगी में, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो बेसिक्स क्लास में मेरे साथ पढ़ी है ना, शी इज अ फकिंग दुबई में बिजनेस कर रही है, बट 6-7 डिजिट का। आई हैव सीन एंड यू टोल्ड मी दैट शी यूज्ड टू डू दिस अफर्मेशन थिंग, सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन शी स्टिल डज, यू नो। And even I do affirmations actually that work. अच्छा, मेरी लाइफ में तो काम करती है एक्चुअली, मुझे इन दोनों का नहीं पता ये affirmations। मैं भी धीरे धीरे करता हूँ यार, मुझे लगता है मैनिफेस्ट से ज्यादा ना उस चीज के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, करते रहो, करते रहो। एग्जैक्टली, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग दिमाग में सोचते हैं, वो वाली चीज हो जाती है। हाँ, एक सोच मैं तो लिखती हूँ एक्चुअली। हाँ, ये लिखती है भाई, इतनी अच्छी राइटिंग है इसकी भाई, हम डॉक्टर्स लोग हैं भाई, हमारी राइटिंग इतनी अच्छी रही है भाई। फिलहाल हम बात कर रहे थे कल की मूवी की, कल हमने देखी KGF का सेकंड पार्ट। सो आई गेस उसका रिव्यू में मतलब मैं एक ही चीज कहूंगी कि क्लाइमेक्स के लिए ना पार्किंग, फाइनली हम एक दूसरे से पार्किंग ढूंढ रहे थे और पार्किंग हमें मिल गई। नहीं, उधर लगा दे, लगा वहाँ लगा दो। हाँ, यहाँ पे रहने दो, कुछ है तो हम इतनी देर से जाम में थे। फिलहाल मैं KGF का रिव्यू देना चाहूंगी आप लोगों को। सो यू नो, इमोशनल्स कंट्रोल करके आना, बिकॉज इमोशंस का बहुत वैल्यू है। एंड बाकी अभी राकेश गाड़ी पार्क कर रहे हैं, हम राकेश से रिव्यू पूछते हैं। इसने तो देखी नहीं है, तो ये रिव्यू नहीं दे सकते। इसे वन भी नहीं देखे गाइस, कमेंट करके बहुत बताओ। लोग ने वन नहीं देखी होगी। अच्छा ठीक है, कमेंट ही करके बता दो किस किसने वन देखी है प्लीज। फाइनली सेंट्रल मार्किंग, दोबारा से अभी स्टार्ट करें, पहले तो मैं करता नहीं था, बट मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया था पता है व्लॉगिंग से, बिकॉज मैं घर पर थी, बट अभी फिर से स्टार्टअप। सो मैं शॉपिंग करवाने आई हूँ इसको, मतलब मैं क्या शॉपिंग कराने आई हूँ, लड़के शॉपिंग करने आए, लड़कों शॉपिंग का डे आई गेस है ना, तो कर लेते हो भाई शॉपिंग। हाँ, ओ फाइनली कॉफी खिलाने लाया मुझे ब्राउनी, एंड लव कह रहा तो ब्राउनी खाएगी, इसने मुझे कॉफी नहीं पीने दी आज। कोई नहीं, आगे से कॉफी पियेंगे। एंड हम गए हैं कहीं पे, कहते हैं यहाँ के वेफर्स और ब्राउनी, ब्राउनी बहुत अच्छी है। आई एम नॉट श्योर मैं कहाँ खड़ी हूँ, कुछ पता चल रहा है इस दुकान का नाम क्या है। बट ये मेन सेंट्रल मार्केट में है ये शॉप। लव खिला रहा था ब्राउनी और हमने ले लिए, अपने ले लिए भाई, नहीं हम खाएंगे नहीं, वो ये तो ये इसको ये है ना, ये इसकी डाइट अभी तुझे पता नहीं है शायद। तो गाइस आज मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं किसी फूड मतलब फूड आ गई हूँ, फूड टूर पे आई हूँ, एंड मीठा मिलने वाला है, सब कुछ मीठा है यहाँ पे भाई। अगर इनकी कैलोरीज काउंट करें आई थिंक कम से कम 4-5 हजार तो होगी भाई ये भी। और आई एम टेलिंग यू,
आप सर अपनी शॉप का नाम बताइए सर। गोल्डन फेस सर। लास्ट में तक मैं गाइस ट्रस्ट मी हम व्लॉगर्स हैं, हम सभी व्लॉगर्स हैं एक्चुअली। जो कमाई है क्या बड़ी ब्राउन भी डाल सकते हैं। हां चॉकलेट्स कैश। मुझको ना ये प्राइसिंग सबसे अच्छी लगी यार। 160 ना। हां 160 में क्या आया था 160 का। ये 160 का वो 160 में सब है। हां क्या भैया डरा रहे हो। सो खो गई शॉपिंग हो गई। अब चेंज करना है या इन्हीं कपड़ों में घूमना है आज तुमने? इन्हीं कपड़ों में घूमना है। चलो ठीक है डन। लव ने लिया है अंडरवियर एंड फ्रैंकली स्पीकिंग लड़कियों प्लीज कमेंट करके बताओ क्योंकि आपको ऐसे कच्चे पसंद है। मुझे लिटरली ऐसे कलरफुल कच्चे पसंद है। आई एम टेलिंग यू बीइंग अ गर्ल अच्छे लगते हैं यार। अंदर हाँ, भी अच्छा पहनना, अंदर भी अच्छा पहनना चाहिए। नहीं सीरियसली मुझे बड़े पसंद है कलरफुल कच्चे। लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं भी पहनती हूँ। सो डन विद योर शॉपिंग? अच्छा अभी नॉट येट, अभी कुछ और भी है। अभी तो कुछ ले नहीं रहा था तो भाई लाइन लगा दी भाई। हे भगवान अभी भी कुछ बचा है। चलो ठीक है। अगर आपको चीप शॉपिंग है या मैं बजटेड शॉपिंग, नॉट चीप और बजटेड शॉपिंग, तो इन गोड प्रेफर दिस के 636 इन लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट। अब चलते हैं आगे की तरफ। रखो ना चिल्ड कर दो 20 का दे दो ना। अरे 20 के मिलते हैं क्या बात कर रहे हो भाई यार। मेरी इलेक्ट्रॉनिक सिटी से 30 का करना तो गिलास बड़ा करो। 30 का करना तो गिलास बड़ा करो। चलो ना आपकी ना मेरी 25 के 25 के ठीक है। आई लव द वे यू डू बार्गेनिंग। 15 रुपए कम करवा लिया। ये तुम्हारा है पनीर वाला, मेरा ओनियन वाला है। बड़ा सही है तू। ये पनीर वाला है तो पनीर वाला ये ओनियन पनीर है। ये पनीर है हाँ फिर ये ओनियन पनीर। वैसे कौन कौन से देख मुझे ओनियन पनीर चाहिए। पनीर ले ले कोई नहीं मैं ओनियन वाला। ये ओनियन को... पनीर है। ये ओनियन पनीर है। मुझे ओनियन पनीर चाहिए। ले वो देखो पनीर ले ले। कोई नहीं तू पनीर खा ले और हेल्दी हो जा। दिस इज हेल्दी बिकॉज यू नो डोसा इज सांबर डोसा एंड सांबर एंड डोसा इज हेल्दी एंड पनीर है। सो एक्चुअली इट्स अ हेल्दी फूड। लव वेरी मच हेल्दी। मतलब इसे कह रहा था इसे हेल्दी नहीं है बट दिस इज एक्चुअली बहुत हेल्दी है। तो गाइस हमने जो खाया डोसा इनसे खाया सो यू कैन एक्चुअली मतलब इट वाज टेस्टी एंड वर्थ इट। लाइक 130 रुपए की एक था। 130 का था पता है तुम्हें वो फिलिंग और वो सब। हाँ हाँ। तो 130 की एक प्लेट थी एंड इट वाज एक्चुअली वर्थ इट। इतनी दो जनों का पेट भर जाए और इसमें तो इसी से कुछ खाया ही नहीं गया। इस लड़के से कुछ नहीं खाया गया फिर भी लव ने एक पूरा खा लिया। डोंट लाइक साउथ इंडियन मच। सो फाइनली रीचिंग टू लव का मोहल्ला एंड लव के घर। आज तेरे को डालनी चाहिए थी बेटी। आज ही डालना चाहिए था यार एक्चुअली। डलेगा ना कल डलेगा। कल क्यों बट आज तुझे ज्यादा लोग आज सर्च करेंगे लोग की भाई क्या है। देख स्पॉइलर गाइस तो उनमें एक्शन रहता है और साउथ इंडियन मूवीज देखी है तो उनमें भी एक्शन रहता है बट दिस इज समथिंग एल्स। इट इज अ टोटली बेस्ड स्टोरी ऑन अ मदर्स लव। सो मैं आ गई हूँ आज की रात लास्ट डेस्टिनेशन लालटेन्स बार एंड ग्रिल थ्रू एन इन्विटेशन और मैं आज कल लोग यही एंटर करना चाहती हूँ। मैं इसका रिव्यू कल शेयर करूँगी। होपफुली आप रिव्यूज़ देख चुके हो KGF के और अगर आपने मूवी देख ली तो मुझे बताना ज़रूर कैसी लगी। सी आप।